अब इतनी देर रात इस छोरी को इस घर से बाहर जाने देंगे? पाणी भाई, किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है, और फिर इस घर का बेटा जा रहा है ना साथ में। विक्रम, उसको रोको मत। ही चलिए हुआ सर। इस घर का नियम है, घर की लड़कियां देर रात बाहर नहीं निकल सकती। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं दुर्गा सीरियल की, जहां पर काफी इंटेंस सीन देखने को मिलने वाला है। जी हां, आपको बता दूं कि इस बार भाई हमारे दुर्गा और अनुराग की क्लास लगने वाली है, और घर वाले मिलकर इस बार इन दोनों की क्लास लगाते हुए दिखाई देंगे। जी हां, आपको बता दूं कि भाई इस बार होने वाली है हमारे दुर्गा और अनुराग की कंप्लेन घर वालों से। अनुराग जा रहा है ना, काफी है, डॉक्टर है ये, अगर ये नहीं संभाल पाएगा तो दुर्गा क्या ही कर लेगी। अगर ज्यादा बात बिगड़ी तो पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचा देंगे। हाँ, गाड़ी में ले जाएंगे। मतलब तो उसकी जान बचाने से है ना, दुर्गा के वहाँ जाने से उसकी जान बच जाएगी, इसकी कोई गारंटी थोड़ी है। काका साहब, मैं नहीं जाती, मैं वहाँ जाके क्या करूँगी। मुझे तो ये भी नहीं पता साहब ने उस बच्ची को कितनी देर पहले काटा था। और ये कंप्लेन कोई और नहीं बल्कि राजेश करने वाला है। जी आपको बता दो कि कहानी में हमें देखने को मिलता है कि भाई किस तरीके से इस बार राजेश पहुंच चुका है हवेली पर हमारे दुर्गा और अनुराग के कंप्लेन को लेकर। और यहाँ पर वो पानी बाई से मिलता है, और पानी बाई को वो बताता है कि किस तरीके से। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं इस कबीले की बेटी हूँ, और ये आज मुश्किल में है। मेरा आज उनके साथ खड़े रहना सिर्फ मेरी जरूरत नहीं, मेरा धन भी है। डॉक्टर बनने का सपना देखा है मैंने, और आज मैं उसे नहीं बचा पाई ना, तो उस सपने को आग लगा देना चाहिए मुझे। सिर्फ वही बारिश में नहीं भीगा, बल्कि कोई दो और लोग बारिश में भीग रहे थे, और वो कोई और नहीं बल्कि दुर्गा और अनुराग है। और ये सुनने के बाद तो भाई पानी बाई को बेहद बड़ा झटका लगता है। अब वो सच में झटका लगता है या फिर वो कुछ फेक कर रही है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। खैर, आपको बता दो कि आने वाला एपिसोड में हमें ये भी देखने को मिलेगा कि भाई किस तरीके से इस बार राजेश जो है वो सभी घर वालों को दुर्गा और अनुराग के रिश्ते को लेकर एक बेहद बड़ी कंप्लेन करने वाला है। और ये सुनने के बाद तो घर वालों के होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, आपको बता दो कि यहाँ पर राजेश जो है घर के लोगों को ये बताने वाला है कि उसने कुछ ऐसा देखा जिसे देखने के बाद उसका दिल टूट गया और वो बेहद शॉक में आ गया। और यहाँ पर सभी लोग जो हैं इस बात को जानने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं वो घबरा भी जाते हैं कि भाई ऐसा क्या हो गया। तब आपको बता दूं कि यहाँ पर राजेश ने घर वालों को ये बात बताई कि बड़े पेड़ जो है जहाँ पर सब लोग अपनी मन्नत को मांगने जाते हैं, वहां पर काफी तेज बारिश हो रही थी, और मैंने देखा कि वहां पर एक लड़की डांस कर रही थी और एक लड़का जो है वो बांसुरी बजा रहा था। और जब मैं सामने जाकर देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि अनुराग और दुर्गा थे। और यहाँ पर राजेश बताता है कि इस घर पर एक बेहद बड़ा खतरा मंडरा रहा है, और वो खतरा कोई और नहीं बल्कि दुर्गा है। और आपको बता दूं कि भाई यहाँ पर राजेश ने दुर्गा और अनुराग के रिश्ते को लेकर काफी बड़े बड़े सवाल उठा दिए घर वालों के सामने, और घर वाले ये सुनने के बाद बेहद शॉक में आ चुके हैं। तो आने वाले एपिसोड में ये देखना बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है कि अब घर वाले क्या करने वाले हैं अनुराग और दुर्गा के साथ, क्या होगा, पानी बाई का क्या रिएक्शन होगा इस पर, ये सब देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा।